फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो चुकी है मेरी सुबह की पहली चाय और यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसे ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, क्योंकि जुम्मे के दिन बहुत सारे फकीर लोग आते हैं, तो बहुत बहुत दूर से वो लोग आते हैं और सुबह से जो बेल बजना यहाँ पे स्टार्ट होता है ना, वो दिन भर बजता रहता है। तो मैंने पहले से निकाल के रख दी कि फकीर लोग आएंगे तो सबको पैसे देना है। तो चलिए अभी करते हैं दिन की शुरुआत। चाय से तो हो चुकी है, बाकी का कंटिन्यू रहेगा मेरे साथ, बने रहिए इस व्लॉग में। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं खुशबू रेस्टोरेंट। हमें नाश्ता करने का मन हो रहा था तो मैंने सोचा चिकन चाउमीन बनाते हैं घर पे, लेकिन फिर अचानक से हमारा प्लान चेंज हो गया और हम लोग आ गए खुशबू रेस्टोरेंट यहाँ पे खाने के लिए। हम लोगों ने सोचा कि काफ़ी दिन से बाहर नहीं गए थे हम लोग, तो आज खाते हैं बाहर जाके, और हमारे घर के काफ़ी पास में भी है। तो और यहाँ का चाउमीन जो ये हम सबका बहुत ही फेवरेट है, यहाँ नॉनवेज बिल्कुल नहीं मिलता, सिर्फ वेज है, लेकिन इनका जो टेस्ट है ना वो काफ़ी ऑथेंटिक है, बहुत ही अच्छा है। सो अभी हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा चाउमीन के बाद आ चुका है चीज़ मसाला डोसा। मैंने मसाला डोसा खाया था, प्लेन डोसा भी खाया था, लेकिन मैंने चीज़ मसाला डोसा मैंने कभी नहीं खाया, तो यहाँ पे आ चुका है। और ये है नारियल की चटनी, आई थिंक नारियल की चटनी के बगैर ये डोसा बिल्कुल अदर। देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ कितना ज़्यादा है, खा तो लिया लेकिन इतना हैवी हो गया ना ये चीज़ की वजह से, इतना हैवी हो गया ना कि खाया बहुत मुश्किल से हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो खाने के बाद हम लोग आ गए हैं अभी पान की दुकान में पान लेने के लिए, गुलकंद वाली। यहाँ पे जो पान मिलती है वो बहुत मीठी होती है, मतलब मुंह में जाके एकदम घुल जाती है। ये जो गुलकंद इसमें इतना इतना अमाउंट में डालते हैं ना, इसी के वजह से पूरा पान में जो मज़ा आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आधी आधी पान हम दोनों के लिए बनवाई। तो जब भी गुवाहाटी आते हैं तो यहाँ का एक दो बार पान ज़रूर हम लोग ट्राई करते हैं, खास करके ये गुलकंद को देख के, आई लव गुलकंद। तो अभी हमारा पान को हम लोग यहाँ पे पैक करवा रहे हैं, उसके बाद यहाँ से पान लेके हम लोग निकल गए घर की ओर। क्या बोल रहे हो, क्या क्या खा के आया हम लोग? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो काफी टाइम बाद फिर से ब्लॉग बना रही हूँ, इसलिए क्योंकि अम्मी लोग जो है वो वापस आ चुकी है पटना से, और आप देख सकते हैं हमारा घर जो है कितना ज्यादा मेसी मेसी हो रहा है, मतलब ठंड आता ही नहीं है, ऐसा लगता है सब जगह बस कपड़ा ही कपड़ा नजर आता है। फिलहाल यहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कपड़ा भी लगा के रखा है, क्योंकि गुवाहाटी में जो है अचानक से ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जिस दिन अम्मी लोग आए उससे जस्ट एक दिन पहले से ही, मतलब यहाँ पर एकदम बादल बादल सब छाया हुआ है, बिल्कुल भी धूप भी नहीं हो रहा है, बहुत अचानक से ठंड हो गया कि यहाँ पर इस वजह से कपड़ा लगा के रखना पड़ा, क्योंकि हवा इतना ज़्यादा आ रहा है कि हम उसको बना नहीं पा रहे सही से, और पता नहीं इस साइड में कहीं पे बर्फ पड़ रहा है, इस वजह से यहाँ पे ठंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और आने वाले दिनों में भी कहा जा रहा है कि ठंड जो है वो बढ़ती ही जाएगी। तो अभी देखते हैं और कैसे, क्योंकि 14 तारीख को तो आई थिंक बिहू है, बिहू, और उसके बाद हर जगह का अलग अलग है, जिसको तिल संक्रांत भी बोला जाता है, जिससे कि ठंडा जो है कहते हैं वो धीरे धीरे चला जाता है। तो यहाँ गुवाहाटी में असम में उसको हम लोग बिहू बोलते हैं, बिहू बोल के सेलिब्रेट करते हैं। तो ठंड जो है ना अभी हर जगह ही मतलब स्टार्ट हो चुका है अब जाके, क्योंकि इस बार ठंड जो है बहुत लेट से आई है, और देखते हैं अभी क्या होता है, ठंड अभी रहता है या फिर चला जाता है। क्या छुप छुप के आप क्या देख रहे हो, इनको देख लो, पूरा कश्मीरी बनी हुई है एकदम, देख लो ठंड का ऐसा लग रहा है कहीं और नहीं, बस इन्हीं पे हो गया कि रुक गए। तब दीदी आप क्या बोलना चाहेंगी गुवाहाटी के ठंड के बारे में? बहुत ठंड है, बहुत ठंड है,
और क्या करेगा, गर्म के ठंडा का दिन तो पीनी पड़ेगा ना, गर्म का सास, गर्म का सास। इनकी बोली बस आप लोग सुनते जाइए, गर्म का सास पहनना पड़ेगा। क्यों गर्म का सास पहनना पड़ेगा? गर्म का दिन गर्म का कपड़ा तो पहनने पड़ेगा ना ठंडा के लिए। हाँ। नहीं हाथ पर तो कुकड़ा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कुकड़ा लग जाएगा। कुकड़ा लग जाएगा भाई हाथ पैर में, इसलिए आप लोग भी पहन के रहिए, नहीं तो कुकड़ा लग जाएगा हाथ पैर में। फिलहाल अभी यहाँ पे बना रहे हैं चावल और ये है मेरा सब्जी, बाद में बात करते हैं आप लोग से। अभी हम लोग आ गए हैं छत पे और आप देख सकते हैं धूप जो है चल जा चुकी है यहाँ पे। आज बहुत मुश्किल से तीन दिनों के बाद धूप आई थी दीदी, वो भी एक घंटा में ख़त्म हो गया। और दीदी के सर में हो रहा है बहुत तेज दर्द। आपको क्यों दर्द हो रहा है? पता नहीं कैसे दर्द होता है। हमको लगता है आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है। एक बार डॉक्टर को दिखाओ, चश्मा लगेगा, समझे? दिखाना पड़ेगा। हाँ वो आप देख सकते हैं फिर से धूप आ गई है, तो धूप जो है हमारे साथ लुका छिपी का खेल खेल रही है, मजाक कर रही है। रात के खाने में मैं बना रही हूँ चिकन। चिकन को मैंने यहाँ पे थोड़े से मसाले के साथ मैरिनेट करके रख दिया था 10 मिनट के लिए बस। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़े से ऑयल में इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से लाल कर लेंगे। ऑयल में एकदम आपको फ्राई नहीं करना। यहाँ पे हमारा चाय भी साथ साथ बन रहा है और इसको इसी तरह से फ्राई करना है। उसके बाद निकाल के यहाँ पे मैंने जो मसाले लिए हैं उसको जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, पोस्तादाना, काजू, अदरक, लहसुन, गरम मसाला, सबको हल्का सा सोटे करके उसके बाद इसको पेस्ट अच्छा सा बना के चिकन को फ्राई करने के निकालने के बाद तेल में गरम मसाला का फ़ौरन डालिए उसके बाद ये मसाला। एंड हाँ, उसमें दही भी बिल्कुल देना मत भूलिएगा। एंड बस आपका चिकन रेडी है। चर्बी खा रहा था ना आज। अल्लाह समझ में नहीं आता ये लोग इतना इतना खाना खा कैसे रहते हैं। अभी रात का टाइम है और हम लोग जा रहे थे सोने के लिए, लेकिन हम लोग सोते सोते ये वीडियो जब देखने लगे तो एकदम काफ़ी हैरानी होती है जब इस तरह की वीडियोस देखती हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मतलब खाते हैं तो कहाँ जाता है सारा खाना, समझ में नहीं आता। अल्लाह ना करे, लेकिन अगर इन लोगों को डॉक्टरों ने अगर बोल दिया कि परहेजी खाना खाना है तब क्या होगा इनके चैनल का, ज़रा सोचिए आप लोग। एनीवेज अभी हम ये वीडियो थोड़ा सा इन्जॉय कर रहे हैं और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टिप देना चाहूँगी, जब भी अगर किसी को भूख ना लगे ना तो इस तरह के वीडियोज़ देख लिया करो, आपको अपने आप भूख लगने लग जाएगा। खास करके अगर बच्चों को भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो दिखा दोगे ना तो वो लोग को तुरंत में भूख लग जाएगी। फिलहाल मैंने भी आज खाना नहीं खाया तो मैंने ये देखा तो मुझे भूख लग गई है, अभी जा रही है खाने के लिए। लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन ऐसा है, अगर आपको कभी मन ना करे ना खाना खाने का खा तो इस तरह की वीडियोस देख सकते हो, आपको अपने आप भूख लग जाएगी। ओके देन, अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।